वेलकम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब? स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग पिछला ब्लॉग देखे थे, मैं बिलासपुर से नागपुर आया था वंदे भारत में, और अब मैं जा रहा हूँ नागपुर से बिलासपुर वापस वंदे भारत एक्सप्रेस में। हालांकि मेरा स्टेशन जहाँ पर मैं उतरूँगा वो दुर्ग स्टेशन है, वहीं से मैं बोर्ड किया था, वहीं उतरना है। मैं किसी काम के सिलसिले में आया हुआ था यहाँ पर, जो कि मेरा काम अब हो गया है। और अभी समय हो रहा है 12:52, मतलब 1:00 और 2:10 में यहाँ से हमारी ट्रेन रवाना होगी। कौन से प्लेटफॉर्म से रवाना होगी वो मेरे को अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। और फिलहाल देख लीजिए, ये नागपुर रेलवे स्टेशन है। अच्छा, एक चीज़ और दिखा दूँ, मतलब लास्ट टाइम आया था नागपुर तब यहाँ पर कुछ था नहीं। ये यहाँ पर एक नया हल्दीराम खुला है, यहाँ पर इंडियन रेल के मतलब बोगी में बनाया गया है हल्दीराम। मैं आप लोग को और अच्छे से दिखा दूँ, एक सेकंड। ये देखिए, एकदम ट्रेन के फॉर्म में बनाया है हल्दीराम। यहाँ पे काउंटर है और वहाँ पे उनका रेस्टोरेंट है। तो अभी समय है ट्रेन में जाने के लिए, तो फिलहाल चलिए यहीं पर थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। यहाँ से खाने के बाद अपन जाएंगे हम अपने स्टेशन की तरफ। चलिए, जा रहे हम लोग नागपुर रेलवे स्टेशन के अंदर में। और आप जैसे ही एंट्री करते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको इंक्वायरी काउंटर और प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर और रिजर्वेशन काउंटर तीनों मिल जाते हैं यहाँ पर। यह हमारा एग्जिट है और यह हमारा एंट्री है, हम लोग एंट्री करेंगे। चलिए, एंट्री कर ली हम लोग अभी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, एक स्टेशन आपका प्लेटफॉर्म नंबर 8 है जहाँ से आप बोर्ड कर सकते हो। टोटल 8 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। अभी जा रहे हैं हम लोग अपने वेटिंग रूम की तरफ, क्योंकि अभी समय है आने में। ये देखिए, हमारा ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 से वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी रवाना होगी। तो चलिए जल्दी से हम चलते हैं। हम अपने वेटिंग रूम में एसी फर्स्ट क्लास के। बाहर से मैंने कुछ स्नैक्स ले लिया है खाने के लिए। हालांकि हमारे ट्रेन में ऑप्शंस है, हमारे पास लंच हमको सर्व होगा ट्रेन में, बट फिर भी मैंने कुछ बाहर से ले लिया है खाने का। चलिए वेटिंग रूम में उसको खाते हैं, फिर चलते हैं अपने ट्रेन की तरफ। हम लोग यहीं पर वेट करेंगे थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर जाएंगे। चलिए चलते हैं अंदर। देख लो भाई, यहाँ तो जनरल से भी बुरा हाल है। वेटिंग रूम का बैठने के लिए भी जगह नहीं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। फिलहाल तो लेडीज टॉयलेट हो गया, जेंट्स टॉयलेट हो गया, चलिए देखते हैं। हाँ तो देख लो भाई, ये बाहर से मैं बिरयानी पैक करा लिया था, अंदर में मेरे को कुछ खास खाने का मिला नहीं। डोसा इडली वगैरह मिल रहा था, समोसा वगैरह, और इतने गर्मी में मेरे को खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैं बाहर सामने से स्टेशन के जस्ट बिरयानी पैक कराया हूँ। और अभी हम लोग वेटिंग रूम में हैं, एसी फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में। यहाँ से अभी खाना खाएंगे और जाएंगे अपने ट्रेन की तरफ, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 से डिपार्ट होगी। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 में हम लोग। चलिए खाता हूँ और बताता हूँ कैसा है। चलिए टेस्ट करते हैं, बताते हैं। एकदम फीका फीका सा है, ज़्यादा कुछ उम्मीद मेरे को वैसे भी नहीं था। ठीक है, चलेगा, जब तक ट्रेन आती है तब तक खा लेते हैं। चलिए फिनिश करते हैं लंच जल्दी से, फिर मिलते हैं हमसे। चलिए, थोड़ा बहुत पेट भर गया हमारा और जा रहे हैं अब हम लोग अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 8, जहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है। और हम लोग जा रहे हैं, अब जब आ चुकी है तो हम लोग भी चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, पेट थोड़ा सा भर गया। मेरे को पता है वहाँ भी खाना मिलेगा ट्रेन में, बट क्या है, थोड़ा सा पेट खाली खाली था और खाने का अच्छा था तो अपन ले लिए थोड़ा सा, खा भी लिया। अभी 1:20 हो रहा है, जाते हैं, 2:00 हमारा ट्रेन का डिपार्चर होना है, तो थोड़ा सा जल्दी जाते हैं और जल्दी हमारा सीट थोड़ा सा पकड़ते हैं। आप लोगों को मैं इंटीरियर वगैरह भी दिखा दूँ। ये देखिए, मिनी लक्ष्मण झूला नागपुर का, और वो देखिए हमारी ट्रेन खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। मौसम थोड़ा सा बारिश का हो रखा है, पर गिरेगा नहीं। वो देखिए हमारी ट्रेन जाते हैं अपने ट्रेन के अंदर में। और ये देखिए मध्य रेल, हमारे सेंट्रल रेलवे का एक नागपुर स्टेशन। और मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे हूँ। और ये देखिए, जस्ट सामने हमारा मेट्रो स्टेशन। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो नहीं बना था, मैं सोचा अभी ट्रेन को जाने में टाइम है, तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ और मैं भी देख लेता हूँ। तो ये आगे में हमारा मेट्रो स्टेशन का लिफ्ट वगैरह लगा है, तो चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है लिफ्ट और कैसा स्टेशन है। ये एंट्री है मेट्रो का,
बहुत भीड़ लगा है भाई यहाँ पर। तो चलिए हमारी बारी आ गई है, जाते हैं अंदर हम लोग लिफ्ट में, आपको ऊपर जाके दिखाते हैं फिर क्या है, कैसा सीन है। देख लीजिए यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ प्लेटफॉर्म है मेट्रो का, चलिए टिकट लेते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ के लिए टिकट्स है यहाँ पर। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक है, देखिए यहाँ टिकट काउंटर है, हम डिस्प्ले में देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कहाँ कहाँ जाने के लिए क्या क्या टाइमिंग है। तो चलिए हमको तो जाना नहीं है तो इसलिए हम चलते हैं अपने ट्रेन की तरफ। ये देखिए हमारा ट्रेन है और यही है हमारा कोच। अभी ट्रेन के डोर्स खुले नहीं है, जब खुलेंगे तब जाएंगे अंदर। तो भाई वेलकम टू द सिटी ऑफ ऑरेंजेस, मैं हूँ आपका करण दिसोल और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोरेशन करण। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे नागपुर से बिलासपुर रवाना होने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 1:30, मतलब 1:30 बज चुके हैं, अभी तक डोर्स ओपन नहीं हुए हैं। जैसे ही डोर्स ओपन होता है मैं अंदर जाऊंगा, आप लोगों को सारा चीज़ दिखाऊंगा। आप लोगों को जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, ये नागपुर टू बिलासपुर और बिलासपुर टू नागपुर 413 किलोमीटर ट्रेवल करती है, जिसके बीच में इसका 4 हॉल्ट आता है। नागपुर से बिलासपुर अगर जाती है तो पहला हॉल्ट आता है गोंदिया, गोंदिया के बाद नांदगांव, नांदगांव के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर, दुर्ग के रायपुर के बाद फिर डायरेक्ट बिलासपुर, बिलासपुर इसका लास्ट हॉल्ट है। और मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि जैसे कि ये नागपुर रेलवे स्टेशन जो है ये अपना सेंट्रल जोन का रेलवे स्टेशन है, ये नागपुर डिवीजन के अंदर भी आता है और सेंट्रल जोन के अंदर टोटल 5 स्टेशन आते हैं, मैं आप लोग को बताया था। जैसे कि पहला हो गया मुंबई सेंट्रल, दूसरा हो गया सोलापुर, तीसरा हो गया नागपुर, चौथा हो गया पुणे और पांचवा हो गया भुसावल। ये 5 स्टेशन जो है सेंट्रल जोन के अंदर में आते हैं और उसमें से नागपुर एक है। तो चलिए चलते हैं अंदर में। और मौसम देखो भाई, बारिश चालू हो चुका है और ये जितना बारिश अभी गिरेगा ना भाई ये उतना उमस करेगा, तो बारिश अभी तो मत ही गिरे तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए यहाँ मैं नया चीज़ देख रहा हूँ, पानी पीने के लिए ऐसा सुविधा बनाया स्टेशन में, अच्छा है। आप एक साथ 4 लोग भी भर सकते हैं यहाँ पर और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, बढ़िया। देखिए पानी अच्छे से चालू हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा उमस बढ़ाने वाला है। और हमारे डोर्स खुल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर में, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए जैसी एंट्री आप हो गए, ये आपका एग्जीक्यूटिव क्लास और ये हमारा सीट 5152 और भारतीय रेलवे आपका स्वागत करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक डिस्प्ले है, एक डिस्प्ले यहाँ है और टोटल 2x2 की सीट्स है यहाँ पर। ऊपर लगेज काउंटर दिया हुआ है, देख सकते हैं ऊपर अपना लगेज रखने के लिए। एक्चुअली जब आप एंट्री करेंगे, हम लोग तो यहाँ पीछे तरफ से एंट्री करेंगे, आप लोग जहाँ एंट्री करेंगे तो एंट्री के पास में भी आप लोग को लगेज काउंटर मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और ये डोर्स देख लीजिए ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका है, चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। जैसे कि आप लोग ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, वो मेरा इसी चेयर कार में ट्रैवलिंग था और ये मेरा एग्जीक्यूटिव क्लास में है। मैं सोचा कि इस बार थोड़ा सा नया ट्राई करके देखते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास, एक बार चेयर कार तो मैंने ट्राई कर चुका है तो इसलिए मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास में बुकिंग कराया है। चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में सिर्फ 2 ही फ़र्क है, यहाँ जो रो है यहाँ 2x2 है, वहाँ 3x2 है और सीट्स थोड़ी कम्फर्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर, ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा। सीट पीछे नहीं हो रहा है भाई, क्या पता है अटेंडेंट को बुला पूछना पड़ेगा, बाकी सीट अगर बहुत कंफर्टेबल है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग लैंप्स है, यहाँ पर चालू है, बंद नहीं हो रहा है। और ये देखिए चार्जिंग सॉकेट्स यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं, बाकी तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बाकी सारा कुछ सेम ही है। चलिए जैसे ट्रेन चालू होता है, बोर्ड होता है, फिर देखते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। चलिए बाय, मिलते हैं। चलिए समय हो गया जाने का, 2:04 हो गया और उसका जो डिपार्चर टाइमिंग है 2:05 का है। अभी तक डोर्स क्लोज हुए नहीं है, देखते हैं कितने देर में डोर्स क्लोज होता है। और बारिश भी अब रुक चुका है, ये अचानक से बारिश आया। अभी हम लोग जब आधे घंटे पहले स्टेशन बोर्ड करने आ रहे थे, एकदम कड़क धूप था और जैसे हम लोग स्टेशन के अंदर आए पानी चालू हो गया एकदम धर धर करके। और उसके बाद बहुत पानी, बहुत तेज पानी गिरा, 5-10 मिनट गिरा हुआ, उसके बाद बंद हो गया पानी। और समय देख लीजिए
2:05 हो चुके हैं बट अभी तक डोर्स क्लोज नहीं हुए हैं। जैसे ही डोर्स क्लोज होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने टाइम से निकलता है क्या करता है। ये देख लीजिए अनाउंसमेंट अब हो चुका है कि दरवाजे बंद होने जा रहे हैं। अनाउंसमेंट आप लोग को सुनाई दे रहा होगा कि नहीं पता, बट अनाउंसमेंट हो चुका है दरवाजे बंद होने जा रहे हैं क्योंकि अभी अपने नजर समय से चलने के लिए तैयार है और बस कुछ ही देर में डोर्स क्लोज होने वाला है। अब देखते हैं कितने देर में डोर क्लोज होता है। तो चलिए फाइनली गाड़ी अपने निर्धारित समय से अपने स्टेशन से चल चुकी है। मैं लास्ट टाइम जब आया था नागपुर 2 साल पहले तो वहाँ तब थोड़ा क्लीननेस अच्छा था, ज़्यादा था, और इस बार जब मैं आया नागपुर रेलवे स्टेशन में तो मुझे साफ़ सफाई उतनी अच्छी लगी नहीं, जबकि और कचरा हो गया है। जिसको जितना प्रोग्रेस होना चाहिए वो उतना ही ख़राब होते जा रहा है। तो अगर नागपुर रेलवे अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के द्वारा आप लोग के तरह अगर कुछ मैसेज पहुंचे आप लोग के तरफ तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए और उस पर काम कीजिएगा। अच्छा मैं अभी एक चीज़ और देख रहा था, इसमें खाने के लिए हमको जो ट्रे टेबल है वो मिल नहीं रहा था मेरे को अभी अटेंडेंट बता के गया और मेरे को अभी पता चला। तो देख लीजिए मैं आप लोग को दिखा दे तो कैसा सिस्टम है यहाँ पर, देख लीजिए ऐसे खुलेगा अभी यहाँ से ऐसा करके कुछ निकलेगा ऐसा करके और ये ऐसा फोल्डिंग वाला है ये ऐसा करेगा, देख लीजिए। इसमें हम लोग अपना काम भी कर सकते हैं खाना भी खा सकते हैं। तो फिलहाल तो चलिए मैं अपना एडिट कर लेता हूँ बाकी काम बाद में। और ये देखिए रिसेंटली अभी हमारे हाथ में न्यूज़पेपर देके गए हैं, द हितवादा इंग्लिश न्यूज़पेपर है। अब इसके बाद क्या क्या आता है देखते हैं, तब तक थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। चलिए न्यूज़पेपर के बाद हमारे पास ये आ चुका है हमारा नौहर का सूप। मैं लास्ट टाइम जब एक वंदे भारत में ट्रैवल किया था तो वहाँ पर सूप उन्होंने बना के दिया था, बट यहाँ पर ये नॉर्थ सूप का पैकेट दे दिया, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा था। ये भी ठीक है ओके है बट वो ज़्यादा बेटर था। इसमें साथ में एक बॉल दिए हैं बट अभी गर्म पानी आया नहीं है, और ये एक बटर है, और ये साथ में ब्रेड स्टिक दिए हैं, और ये साथ में कुछ और भी है सॉल्ट पेपर वगैरह सब दिए हैं डालने के लिए। चलिए गर्म पानी लेके आते हैं फिर दिखाते हैं आपको, बताते हैं सूप का कैसा टेस्ट है। सूप तैयार हो रहा है, यहाँ पर मटर लेंगे आप आगे पेपर ये आगे सॉल्ट। चलिए ओके रेडी सूप टेस्ट करके बताते कैसा है। ब्रेड स्टिक भी निकाल लेते साथ में, तो ये सूप रेडी हो गया फ्रॉम द करंट शेफ। काफी अच्छा बना लेता हूँ अच्छा। और ये देख लीजिए हमारे वंदे भारत का फूड स्टॉल है, ये यहाँ पे सारे खाने रखे जाते हैं और यहीं से सारे खाने सर्व किए जाते हैं। ऐसा फूड स्टॉल आपको हर क्लास में मिल जाएगा, एग्जीक्यूटिव क्लास में, चेयर कार में, सारे चीज में। और यहाँ पे ट्रेन में हमारे एक ही एग्जीक्यूटिव क्लास है हमारे ट्रेन में, और बाकी एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं है, बाकी सारे जितने भी है सारे चेयर कार है हमारे वंदे भारत में। तो चलिए देखते हैं कैसा खाना आप लोग बताते हैं। और ये देख लीजिए डिस्प्ले में भी हमको शो कर रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि अगला स्टेशन गोंदिया जंक्शन है। देख लीजिए नागपुर से राइट टाइम में निकलने के बाद भी ये 2 बार आउटर में रुक चुका है, अभी यहाँ कामटी के आसपास में रुका है, नहीं पता क्यों रुका, शायद आगे लाइन क्लियर नहीं होगा, बट मेरे को पूरा उम्मीद है ये हमारे स्टेशन हमको राइट टाइम तक पहुँचा देगा, देखते हैं आप। चलिए मैं फटाफट आप लोगों को टिकट के प्राइसेस बता दूँ। जो मैंने वापसी का टिकट कराया था नागपुर टू ध्रुव के लिए एग्जीक्यूटिव क्लास में, उसने पे किया है 3,354 रुपीज़, मतलब अराउंड आपको ये पड़ा 1,700 रुपये, मान के चलिए 1,700 रुपये पर टिकट आपको पड़ेगा अगर आप नागपुर से ध्रुव ट्रेवल करते हैं। अगर आप उसके आगे जाते हैं बिलासपुर तक जाते हैं तो उसका टिकट प्राइसेस कुछ ज़्यादा होगा,
मैं नागपुर से दुर्ग बोर्डिंग तक कराया हूँ, तो इसलिए मेरे को टिकट का प्राइसिंग पड़ा 3,354 रुपीज़। मतलब आप पर पर्सन पकड़ लीजिए 18 पर्सन आपको 1700 के आसपास पकड़ लीजिए आप। और बाकी सारी चीज़ मुझे सेम ही लग रही है, अभी तो सर्विस चालू हुई है, अभी देखते हैं क्या क्या है इसके आगे में। चलिए तो देख लीजिए, यही था कुछ प्राइजेस जो मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए पे की। और चेयर कार के लिए आपको 900 पर पर्सन पड़ेगा और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1700 पर पर्सन पड़ेगा। अगर आप नागपुर टू दुर्ग बोर्ड करते हैं, अगर आप नागपुर से आगे बिलासपुर जाते हैं तो आपको ज़्यादा पड़ेगा। और देख लीजिए हमारा ट्रेन कुछ आउटर में रुका हुआ है, जब से हमारा ट्रेन निकला हुआ है सबसे दो बार आउटर में रुक चुका है, नहीं पता किस कारण से रोका है। और ट्रेन अभी तक अच्छी स्पीड पकड़ी भी नहीं है जो मैं आप लोगों को स्पीड दिखा सकूं। लेकिन ये है कि जब से हम लोग नागपुर से बोर्ड किए हैं तब से हमारे पास दो बार सर्विस हो चुका है। सर्विस में हमको पहले दिया गया पानी बोतल, न्यूज़पेपर, सूप और अभी आएगा लंच। जब मैं दुर्ग नागपुर ट्रैवल कर रहा था तो मेरे को बस एक बार ब्रेकफास्ट दिए जो कि ऑन एंड एवरेज था, लेकिन अच्छा था। मतलब अगर उसको मैं रेटिंग दूँ तो 4 out of 5 था वो। और उसके बाद मेरे को कॉफ़ी दिए थे, कॉफ़ी मेरे को खुद से ला के दी, कॉफ़ी 5 out of 5 था। कॉफ़ी मेरे को बहुत अच्छा लगा था जो कि बना के दिए थे, जैसे नॉर्थ सूप जैसे मैंने अभी पिया वैसा नहीं था, ये बहुत अच्छा था वो चीज़। चलिए अभी देखते हैं कितने देर में लंच आता है हमारा। चलिए फाइनली लगभग 20-25 मिनट होल्ड के बाद और स्टेशन में अब निकल चुके हैं हमारी गाड़ी यहाँ से, और बहुत जल्दी पिकअप पकड़ी हमारी गाड़ी। देख लीजिए इसमें राइस है और इसमें पनीर है, इसमें दाल है और इसमें क्या है, वेलकम ऑन बोर्ड लिखा है। देखते हैं खोल के इसमें क्या है। ये दही है, ये रोटी दिया हुआ है और ये साथ में बिस्किट दिया हुआ है, मतलब मिठाई जैसा, और एक पिकल है अचार। चलिए देखते हैं अब इसको खोल के। देख लीजिए भाई हमारा खाना रेडी है, मटर आलू का भुजिया है, दाल है, पनीर है, राइस है, मेरी रोटी है, दही है। चलिए अब खा के बताते हैं उसके। लंच फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे लंच के बाद। ये देखिए हमने जस्ट लंच अभी फिनिश किया ही था और इन्होंने एक अमूल का आइसक्रीम ला के दे दिया हमको। मैं कुछ कुछ चीज़ें ना आपको दिखाना भूल गया था, एक्चुअली मैं खुद भी नहीं देखा था। ये देखिए एक स्वीट्स भी दिया हुआ है इन्होंने हल्दीराम का, बहुत प्यारा था। और ये वेट वाइप्स दिया है इन्होंने, ये सब क्या खाने के नीचे दब गया था तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। और साथ में देखिए एक हैंड सैनिटाइज़र भी दिया गया है, मतलब सारी चीज़ सारी फैसिलिटीज़ दिए गए हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा एग्जीक्यूटिव क्लास, मतलब कुछ तो फ़र्क है भाई, अगर आप पैसा ज़्यादा दे रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क मिलेगा। चलिए फाइनली हमने लंच फिनिश कर लिया है और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार दोनों के सर्विस में थोड़ा सा फ़र्क मेरे को नज़र आया। यहाँ जो सर्विस है यहाँ आपको मेरे को एक के बाद एक के बाद एक चीज़ ला के देते गए। पहले न्यूज़पेपर दिए आपको रीड करने के लिए, उसके बाद आपको सूप ला के दिए, पानी बॉटल्स दिए, फिर लंच दिए, लंच के बाद आपको आइसक्रीम दिए, फिर स्वीट्स दिए, ये सारा चीज़ इंक्लूड था एग्जीक्यूटिव क्लास में। चेयर कार में मेरे को नहीं पता ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि नहीं, और शायद मिलती भी होंगी क्योंकि जब मैं बिलासपुर से नागपुर ट्रैवल किया था तो मेरे को वहाँ ब्रेकफास्ट मिला था, तो ये लंच का टाइम था इसलिए हम लोग को ये सारी चीज़ें मिली है। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा लफड़ा हो गया था हमारा लंच को लेके। मैंने नॉनवेज बुफे बुक किया था, मतलब मेरे को नॉनवेज फूड सिलेक्ट किया था मैंने, मेरे को नॉनवेज खाना था। तो वो ऐसा कि हमारा जो सीट था वो था एग्जीक्यूटिव क्लास में 51-52 जो कि वॉशरूम के एकदम सामने था, तो हमने चेंज करने के लिए उसको बोला तो हम लोग आके पीछे में बैठ गए। तो ये जब लंच सर्व करने के लिए गए तो ये बोले कि आप अपने सीट पे थे नहीं तो हम आपको दे नहीं पाए। तो मैं बोला ठीक है आप दे दीजिए, तो बोले कि सर अब नॉनवेज है नहीं करके, वेज ही मिलेगा आपको करके। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा ख़राब लगा, रहने के बाद भी बोलते हैं कि गिर गया
और हमको हमारा जो नॉनवेज फूड हम सिलेक्ट किए थे हमको वो मिला नहीं, तो इस चीज़ के लिए मेरा एक कंप्लेंट ज़रूर रहेगा इंडियन रेलवे वाले को वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए खासकर। बाकी सारी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, इनके स्टाफ की इनके सर्विस बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ और, लंच करने के बाद जो हमारा टेबल है मैं इनको क्लीन करने के लिए बोला और ये अभी तक ऐसी पड़ा हुआ है, अभी तक इन्होंने क्लीन करके गया नहीं है। चलिए फिलहाल हो गया हमारा लंच, अब मैं करता हूँ आराम क्योंकि मेरे को आ रही है नींद। अब रास्ते में जब नींद खुलेगा अगर कुछ दिखा दिखाने के लिए तो ज़रूर दिखाऊंगा, वरना सीधा मिलते हैं आपसे अपने बोर्डिंग स्टेशन में। बाय। मैं सो गया था भाई पूरा फाइनली, और अब भी उठाऊँ सीधा राजनांदगांव स्टेशन में, जिसे एक बीच में एक स्टेशन और आया था गोंदिया, मैं नहीं उठ पाया, ये राजनांदगांव स्टेशन है सीधा मैं अभी उठाऊँ। तो अभी इसका जो नेक्स्ट स्टेशन होना है वो दुर्ग होना है। ये राजनांदगांव स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और यहाँ टोटल 4 ही प्लेटफॉर्म है, ये लास्ट है, एक प्लेटफॉर्म और है जो सामने की तरफ पड़ता है। अच्छा एक बात और बता दूँ, ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसमें पहले 16 कोचेस हुए करते थे और अभी बस 8 कोचेस हैं, तो गाड़ी पूरा पैक चलती है। हालांकि ज़रूरत भी नहीं है 16 कोचेस की, 8 कोचेस ही है और यहाँ ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है। तो चलिए अपन चलते हैं अंदर और फिर आपको दिखाते हैं आगे कैसे। चलिए नेक्स्ट स्टेशन जो होने वाला है वो दुर्ग स्टेशन होने वाला है, वहाँ हम उतरेंगे। वी आर अराइविंग दुर्ग जंक्शन। देख लीजिए ऑटोमेटिक डोर्स आर ओपनिंग। तो चलिए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दुर्ग रेलवे स्टेशन, अपने फाइनल डेस्टिनेशन में, और स्टेशन के साथ साथ हम लोग वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं और चलते हैं। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस फैमिली से ज़रूर जुड़ जाइएगा जो लोग इस फैमिली से नहीं जुड़े हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, नमस्कार, गुड बाय।